हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे रीनेमिंग फाइल्स और फोल्डर के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले वो फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होगा, मतलब उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये वाला मेरा क्लास फाइव नाम का एक फोल्डर है, ये मेरा डी ड्राइव में है। ठीक है, कंप्यूटर का डी ड्राइव में एक ठो फोल्डर है, उसका नाम है क्लास फाइव। इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो पहले मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा और सेकेंड ऑप्शन सेकेंड स्टेप में क्या करूँगा, उसके ऊपर राइट क्लिक कर दूँगा। ठीक, तो जब राइट क्लिक किया एक तो पॉपअप मेनू आ गया, इसको पॉपअप मेनू कहते हैं। इनमें से मुझे जाना है कहाँ पे, रीनेम पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आखिरी के जस्ट ऊपर में लिखा है रीनेम, तो मैं रीनेम में क्लिक कर दूँगा और अभी उसको एक नया नाम टाइप करूँगा। तो पहले से क्या टाइप हुआ था, क्लास फाइव, अभी मैं खाली फाइव टाइप किया, देखो। उसके बाद बाहर क्लिक कर दूँगा तो रीनेम हो गया। ठीक है, पहले उसका नाम था क्लास फाइव और अभी उसका नाम है फाइव। ठीक है, ऐसे करते हैं रीनेम। थैंक यू।